एक्शन। नमस्कार मेरे हिंदू भाई बहनों को, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम एक राष्ट्र है ही नहीं और ना ही बनने की प्रक्रिया में है। 100 मील के क्षेत्र में हम एक नहीं है। भोजन, भाषा, वस्त्र, विचार, धर्म, किसी स्तर पर नहीं, इन सब को एक होना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम एक राष्ट्र है। और वो राष्ट्र बनेगा सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की धारणा पर, ना कि इन छोटी छोटी अल्पसंख्यकों को सर पे चढ़ाकर जिन्हें हम इतने समय से एक अलग पहचान देते आए हैं। हिंदू राष्ट्र का स्वरूप जातियां, उपजातियां, अल्पसंख्यकों और दूसरे धर्मों की स्थिति क्या होगी इसमें, बस यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी राष्ट्र के विरोध में बोले, दूसरे देश या अलग हिस्से की मांग करे, उसकी रीढ़ उसी वक्त तोड़ दी जाएगी। खुला राष्ट्रद्रोह होगा। सत्ता, शासन, न्याय व्यवस्था कुछ ढंग से काम नहीं कर सकता अगर आधार वह ही ना हो। अब मैकियावेली का एग्जांपल ले लीजिए, हमारे ही देश में कोई हमारे झंडे को जलाने की जुर्रत करे और गुर्राए, उसकी खाल वहीं खींच दी जाएगी। जातियों और अल्पसंख्यकों के नाम पर अब कुछ भी नहीं होगा, हर आदमी राष्ट्र का नागरिक होगा। एक भाषा, एक धारा, एक कानून, ये एक जागृत, आधुनिक और धार्मिक राष्ट्र होगा। सबके लिए एक कानून, ये नहीं कि वो चार चार शादियां करे और हम एक, हम त्रिशूल ना रख सके और वो संसद में तलवार लेके जाना चाहे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हर तीसरे दिन कुछ मुट्ठी भर लोग उठकर देश के अलग हिस्से की मांग करे और हम उनके आगे घिघियाते रहे। ऐसा राष्ट्र जब बनेगा और ऐसी राष्ट्रता जब जागेगी, तब बनेगा हमारा चरित्र। लक्ष्य भी होगा हमारे पास और विकास भी होगा, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित धारा के साथ।